नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से 24 साल के संदीप के साथ जो है मारपीट की जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। परिजन फिलहाल आप देख सकते हैं मॉर्चरी हाउस के बाहर इस समय मौजूद है और काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या लगता था संदीप आपका? संदीप मेरा साड़ा था जी, मैं उसका जीजा हूँ। अच्छा, कैसे डेथ हुई है उसकी? उसकी डेथ ऐसे हुई जी, दो लड़के आए जी, पहले एक आया, उसने बुला के ले गया, उसे मेरे घर छोड़िया। उसने कह रहा जी वो छोड़न चला गया उसे, रास्ते में चौपाल है जी। कौन लड़का आया था? दीपक नाम है जी, गुज्जर का, नरेश गुज्जर का जी। अच्छा, आगे फिर एक जय कुमार नाम का लड़का है जी गुज्जर का, वो मिल गया। उन्होंने दोनों ने पकड़ के शाम को खूब पीटा। हमने जाकर फैसला करा, छूट छटा करी। किस बात पे पीटा? कोई बात नहीं थी जी, कोई रोड़ा नहीं था जी मारा। दोस्त थे वो आपस में? ना जी। तो बुलाने किस लिए आया था घर? मेरा नहीं जी, मारण के नाम के बुला रहे थे क्या जी? पड़ोसी थे आप? हाँ जी, पड़ोसी है, एक बगल का है जी। तो जी ऐसा होया, हमने हाथ पांच जोड़े रात को, जय कुमार की माँ आगे भी, जय कुमार आगे भी, चलो शांत होगी। सुबह संदीप अपने घर चाय पी रहा था जी, फिर भीत कूद के दूसरों की, उससे फिर पकड़ लिया उन्होंने। तो पूछा नहीं आप लोगों ने क्यों मारा? पूछा जी, नू बोले हम तो जिंदा जला के जेल काटने जाना है। किस लिए? कोई कारण भी? कोई लड़ाई? कोई कारण नहीं जी, कोई लड़ाई नहीं होता जी। के थल मजदूरी करा कर था, के थल दे भी चार दिन हुआ था जी। कहाँ का रहने वाला है संदीप? कला पसीना गांव का है जी। अच्छा, घर में और कौन कौन है संदीप के? संदीप का भाई है जी, वो यहाँ नहीं था, उसकी भाभी थी संदीप की, उसकी माँ पेंशन लेने जा रही थी जी। घर में सिर्फ भाभी थी जब वो मारने पीटने? कोई नहीं था घर में जी, घर में कोई ना। तो जी ऐसा होया, फिर में हम चले गए मजदूरी पे अपनी, आठ साढ़े आठ बजे उन्होंने संदीप को अपने संदीप के घर से उठा के अपने घर में गिर लिया। और जिप कते खत्म हो लिया जी, जिप बैरगड़ी में बगा पीट छेद का उन्होंने वो। हाँ जी। तो मारने के बाद मौके पर डेथ हुई थी या यहाँ लेके आए? यहाँ कल अपना चावला में डेथ हुई मरिया जी, वाया का एफआईआर करवा दी आपने? अजी मैं बयान लेने नहीं आये पुलिस वाले जी। पुलिस आया नहीं? ना जी, कोई नहीं आया जी। आप गए थे थाने में? थाने में फोन आया था जी मेरे पास उनका, यहाँ से जो डॉक्टरों ने रुका दिया होगा, बता खबर करी होगी, कोई नहीं आज मेरे दौरा। हाँ जी। तो पहले कोई झगड़ा झगड़ा हुआ था? कोई झगड़ा नहीं था जी, एक दिन बड़े साले के लिए झगड़ा हुआ था उसका, जय कुमार का, एक बच्चे की बाबत। हाँ, कितने साल का? 24 साल की उम्र थी जी संदीप की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दो पड़ोसी जो है वो संदीप को बुलाने के लिए आते हैं, पहले उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल उसे इलाज के लिए लेकर आया जाता है, इलाज के दौरान जो है संदीप की मौत हो जाती है। आप क्या लगते हो संदीप के? बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हूँ। आप घर पे नहीं थे उस समय? नहीं जी, मैं अपने सारे हॉस्पिटल में लेकर जा रहा था खान पर। जिन लोगों ने मारा उससे कोई पहले दुश्मनी थी उसकी? दुश्मनी तो कुछ नहीं थी जी, बस नू था अपना, महीने 20 दिन में अपने आप ही दारू पी के झगड़ा करते थे, गांव के चौक में गाड़ी देते थे। हाँ, पड़ोसी है सामने ही है। नाम थे उनके? एक तो जय कुमार है जी, एक सुरजीत है और एक उसकी माँ दया है। ठीक, बच्चे भी इन छोटे छोटे बच्चों को, कम से कम उसकी 50 साल की उम्र है, इन छोटे छोटे बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चों को भी मारते हैं, गाड़ में निकला। इन बच्चों को मैं अंदर ताला बंद करके रखता हूँ जी, 6 महीने इन बच्चों को बाहर लेकर निकल गया था मैं। तो आपने कभी कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट की, 1000 बार कंप्लेंट की, मेरी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 10 कैंड में फोन करते थे, PCR आती थी, बोलते थे हाँ भाई क्या बात हुई है, ऐसे ऐसे बात हुई जी, मगर बेफिजुल मारपीट करते हैं, हम गरीब आदमी है जी। बोला कोई बात नहीं, फैसला कर लो, कुछ नहीं होता, भला कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने मारपीट की उनके नाम क्या क्या है? जिन्होंने मारपीट की जी, जो शाम को मारपीट की थी बड़े छोटे भाई के साथ, दीपक है जी, गुज्जर का है वो भी, जयकुआर है, सबसे मैन आदमी ये जयकुआर है जी। सबने जब गाँव पसीना कला के है, पड़ोसी है सामने, जब भी मारपीट करता है पूरे गाँव में, हमारे साथ यही करता है, नहीं कोई भी मेरे को कुछ नहीं कहता। मैं अपने इंसाफ चाहते हूँ, मैं तो सिर्फ इंसाफ चाहूँ जी। पहले मेरे साथ भी कई बार झगड़ा हो गया, मेरी वाइफ के साथ भी, जैसे मैं बाहर चला गया तो मेरी वाइफ के साथ भी छेड़छाड़ करी है उन्होंने बाद में। ठीक, बीच में पहले संदीप छुड़वाने के लिए आया था, मारपीट हुई थी, उसी बात के लेकर EBS चल गया था, फिर भी मतलब भाभी को छेड़ता था छुड़वाने आया, तो इस बार ये हाल कर दिया। हाँ ठीक, पहले मतलब भाभी के साथ उसकी छेड़छाड़ की ना, तो उन्होंने झगड़ा किया था, तो हो गया था जब। मैडम जी ये भी बताएंगे, संदीप की भाभी भी है हमारे साथ, उनसे आप हो भाभी, संदीप की भाभी है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ था, आपके साथ छेड़छाड़ की थी उन लोगों ने पहले? मैं तो वैसे कल थी नहीं, कल तो नहीं थे, पहले वो छुड़वाने आया तो कोई छेड़छाड़ करते थे वो लोग आपके साथ?
इतनी दारू पी कर झगड़ा करते थे हमारे साथ। अच्छा, पहले भी झगड़ा हुआ था? वैसे दारू पी कर छोटा भाई ना जो जैकवार का, वो झगड़ा करता था हमारे साथ। वैसे हमने फोन भी करा थाने में, उन्होंने कोई। कल से पहले कब झगड़ा हुआ था? कल से पहले, तीन चार साल पहले। तो वो बीच में आया था संदीप छुड़वाने के लिए, और अब 10 दिन पहले भी हुआ था। 10 दिन पहले किस बात पे झगड़ा हुआ था? बच्चों के लिए। क्या बात थी बच्चों? बच्चों की ये बात थी, वो बुग्गी बजट रहा था उनकी। अच्छा, तो बुग्गी बजटने के बाद उसकी गर्दन पकड़ कर ये बोला कि तेरे बापू ने भी देखा गया बुग्गी कभी। वो संदीप बचाने के लिए गया था बीच में बच्चे को? नहीं, संदीप का कोई मैटर था नहीं। वो मेरे पास आया, उसने मारा भी है उसको जैकवार ने, तो मेरे पास आया बच्चा, बोला मम्मी मेरे ना जैक, उसने जैकवार ने मारा बाबा ने। चल कोई बात नहीं। आपके पति कह रहे हैं कि आपके साथ भी छेड़छाड़ की जाती थी? नहीं, बस छेड़छाड़ की थी, सारे काम हुए थे, उन्होंने झगड़ा भी करा हमारे साथ। मैंने फिर थाने में फोन करा, उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। कौन से थाने में फोन किया था? पानीपत सिटी स्कैन। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी फिलहाल परिवार काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा है। 24 साल के संदीप की जो है बेरहमी से उसे पहले मारा पीटा जाता है, उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। इलाज के दौरान हालांकि मौत हुई है कल्पना चावला में ही। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कर दे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की कल्पना चावला के मोर्ची हाउस के बाहर से। आप क्या लगते हो संदीप की बहन? बहन हो तो कैसे हुई है डेथ, क्या पता चला था आपको? मैं तो जी बालको ने बताया, मेरे तो रोला हो रहा, मैं भेजी गई, इतना मैं भेजी गई, इतना तो बोल पाया मैंने। ज्यादा हालत खराब थी जब हॉस्पिटल लेके आए? खराब थी। किस चीज से मारा पीटा हुआ था? नूनि बेरा मना, किस चीज से मारा पीटा? कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई थी उसको? चोट भी नहीं देखी जी, वो उसमें कुछ था ही नहीं, कैसे चोट देखा? अच्छा, बेसुध था तब। हाँ। क्या नाम है आपका? कमलेश। चाहते हो इंसाफ मिले संदीप को, सजा उन लोगों को? हमने सोचा है अब जो कर मारा गया उनका भी एक आधा नहीं जावे, जिसका ऐसा चला जाएगा तो नू कोई नहीं सोचेगा अब भाई ऐसा हुआ है। करता क्या था संदीप? संदीप कत्थल काम कर रहा था। क्या काम करता था वो? इसमें क्या है, कॉलेज में? कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में लग गया था कहीं, क्यों हमने ना तो देखा जाकर ना गए। आप क्या लगते हो संदीप के? बहन हो जी उसकी। बहन हो? हाँ जी। चाहते हो इंसाफ मिले उसे? जी, हम तो जैसे हमारे साथ कराना ही सही करना चाहिए, हम बहुत दुखी हैं इससे, पति से हमने वाला था किसी ने भी नहीं बस सुनते। पड़ोसी हैं? हाँ जी। कौन कौन चोटें लगी थी संदीप को? संदीप का जी बेसुध हो रहा था, संदीप तो हमने देखे नहीं, बेसुध हो रहा था जब उसने गाड़ी में गाल कर ले आए ना, पहले तो पानीपत ले गए, वहाँ तरह पर कर दिया, फिर यहाँ ले आए, कोई नहीं था, मेरी मम्मी थी उसके साथ, बस ये तो सब बाहर जा रहे थे। कौन है सरपंच? कौन है वहाँ गांव के? गांव के सरपंच भी हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है ये मैटर हुआ। सर क्या कुछ पता लगा आपको, क्या ये मैटर है, कैसे डेथ हुई है संदीप की? गांव पसीना कला सरपंच हूँ, और मेरे को सुबह पता चला ऐसे ऐसे गांव में पता नहीं क्या हुआ, मौत होगी, और उस वजह गाँव के हिसाब से हम आए हैं साथ में, जो वारदात हुई उनको पता प्रॉपरली। तो जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं तो क्या पहले भी उन्होंने कोई ऐसे झगड़े वगैरह किए? हमारे सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ, हम तो नहीं कह सकते ना, जो हमारे सामने कोई बात हुई तो हम बोलेंगे, वो तो प्रॉपरली तो उन्हीं को पता है जो उनके पेरेंट्स। परिवार के लोग बता रहे हैं क्या गांव के सरपंच होने के नाते आप भी कुछ करेंगे इस मामले में? नहीं मैम, जो जिसने गलत किया है इनके साथ खड़े हैं, इन्हीं साथ गलत हुआ है, हम खड़े हैं साथ में। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मोर्ची हाउस के बाहर से, जहां 24 साल के संदीप को जो है उन्हीं के दो पड़ोसियों द्वारा पीट मोर्ची हाउस लेकर आया गया है। पोस्टमार्टम जो है बॉडी का वो फिलहाल चल रहा है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ संदीप की आत्मा के लिए शांति मांगना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम शांति RIP जरूर लिखिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मोर्ची हाउस के बाहर से, सहयोगी अक्षय के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा करनाल। लाइव कर दो रुक जरूर।